30 से 40% बच्चे फर्जी हैं, जो यह प्रमाण है कि फर्जी अभ्यर्थी का बाद में चुन के उसको बाहर निकाला जा रहा है। उसके जगह पर हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट का जो नहीं हो पाया, उसके जगह पर हम लोग को फिर से पूरा परिणाम जारी किया जाए। जितने भी इलिजिबल स्टूडेंट है, ड्रॉप आउट है, उस सब परिषद पर परिणाम पूरा परिणाम जारी किया जाए, ताकि हम लोग का उसमें हो जाए। सर, जो आपने बोला है वो आप पूरा कर दे सर, हम लोग गरीब अभ्यर्थियों पर सर दया करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर खड़ा हूँ, देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं। बीपीएससी TR1 जो TR1 जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26-23, आयोग और फर्जी सभी सीटों पर पूरक परिणाम जारी करे, इसकी को लेकर बीपीएससी पास TR पूरक परिणाम को रिजल्ट को लेकर ये लोग आज बीपीएससी कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बैनर हैं, आप देख सकते हैं अतुल प्रसाद का वो ट्वीट भी है, TR1 लेफ्ट आउट द वैकेंसी अदर देन रैंक आउट ऑफ द मल्टीपर्पज रिजल्ट ड्रॉप आउट, तब इनका कि TR2 में इसको जोड़ा जाएगा। क्यों आखिर आप लोग यहां पर पहुंचे हैं? सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि बीपीएससी TRE एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023, इसे उन्होंने 1,20,336 सीट पर वैकेंसी निकाला था और उसमें अपियरिंग को भी मौका दिया गया था, उसमें सीटेड अपियरिंग और डेलेड अपियरिंग दोनों को मौका दिया गया था। मौका देने के बावजूद उसके बाद जब रिजल्ट जारी किया गया तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा कर नहीं कराया गया, और उसके बाद सारे फर्जियों को देखिए सर, ये जो है ये देखिए, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, ऐसे ऐसे करके हर जिले का निकल रहा है देखिए। और सर ने खुद अपने ट्वीट में कहा था, देखिए सर यहाँ पे उनका ट्वीट है, उन्होंने अपने ट्वीट में खुद से कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और इन एलिजिबल डिसक्वालीफाई और ड्रॉप आउट मल्टीपल जो रिजल्ट है उन सब पे हम जारी करेंगे। देखिए, लग रहा है कि सरकार जिस तरह से TR1 का रिजल्ट जारी की, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं जारी किया, तो लग रहा है कि मतलब अयोग्य शिक्षक की भर्ती हो चुकी है। जी सर, बिल्कुल हो चुकी है सर, ये तो देखने वाली बात है सर। देखिए ना सर, हर जिले का जो लिस्ट है सर, वो जो DO का जो अब लिस्ट आ रहा है सर, आप जो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं यही वो पहले करवा लेते, और जो अपेयरिंग का इन्होंने मौका दिया था सीटेड अपेयरिंग को और DLED अपेयरिंग को, उनको जो है रिजल्ट आने से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाया, और उनका वैसे ही रिजल्ट, जो लोग इनएलिजिबल थे, जो योग्य ही नहीं थे सर, उनका रिजल्ट दे दिया गया, इसके कारण ये हुआ। और योग्य मानते हैं कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ? पूरे तरह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन 30 से 40% बच्चे फर्जी हैं, जो यह प्रमाण है कि फर्जी अभ्यर्थी का बाद में चुन के उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो उसके जगह पर हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट का जो नहीं हो पाया, उसके जगह पर हम लोग को फिर से पूरा परिणाम जारी किया जाए। जितने भी इलिजिबल स्टूडेंट है, ड्रॉप आउट है, उस सब परिषद पर परिणाम पूरा परिणाम जारी किया जाए, ताकि हम लोग का उसमें हो जाए, क्योंकि हम लोग एक नंबर दो नंबर या दे तब बर्स छते हुए कैंडिडेट हैं। अगर पूरक परिणाम जारी हो जाता है, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जिसको बोलते हैं जारी हो जाए, तो आप लोग आ जाइएगा बीपीएससी टीचर में? जी सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, हम लोग सर DO भी से छटे हुए हैं सर। देखिए, जो चेयरमैन सर जो ट्वीट किए हैं सर, वो बोले थे कि जितने भी इनएलिजिबल हैं, मल्टीपल पर हैं, जो ड्रॉप आउट हुए हैं, जो इनएलिजिबल हैं, उन सब पर हम रिजल्ट जारी करेंगे, और एक नहीं एक से अधिक परिणाम जारी करेंगे, और सिर्फ मल्टीपल पर उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो हम यही उनसे मांग करते हैं सर कि जो आपने बोला है वो आप पूरा कर दे सर, हम लोग गरीब अभ्यर्थियों पर सर दया करके। बीपीएससी कार्यालय के बाहर आप लोग घेराव करने क्यों पहुंचे? देखिए सर, बीपीएससी जो TRE 1.0 जो आयोजित की थी, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम ली गई, हम लोग को उम्मीद था कि चलो जिस तरह से एग्जाम ली गई उसी तरह से रिजल्ट जो है स्वच्छ रहेगा, लेकिन रिजल्ट में इस तरह से जो 30,000 नियोजित शिक्षक को था ही, बाहरी स्टूडेंट तो था ही, उसके बाद जो ये DLED और सीटेड डिसक्वालीफाइड थे, वैसे स्टूडेंट का जब रिजल्ट दिया गया तो उस सारी सीटों पे हम लोग जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से जितना नंबर कट ऑफ का है उतना नंबर हम लोग को है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर है, जिसका कारण ये है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक प्रखंड में 45-50 आदमी निकल रहे हैं, आयोग आदमी निकल रहे हैं, आयोग शिक्षक निकल रहे हैं। अब हम अतुल प्रसाद सर से पूछना चाहते हैं कि क्या कहते हैं सर, आ रहे हैं सर, जो आपने ट्वीट किया था, आप शिक्षा विभाग जो सदन में लिखित जवाब में दिया है, संदीप सौरभ विधायक जो है वो जवाब मांगे थे सदन में, तो उसे जवाब भी दिया गया कि जो एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, वैसे सीटों पे, और जो डिस्क्वालीफाई हो गए या मल्टीपल जो है वैसे सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ मल्टीपल वाले पे सीट पे दिया गया। देखिए, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और बाहर बीपीएससी कार्यालय के बाहर ये लोग घेराव करने के लिए, अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन, उनके ऑफिस का घेराव करने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। इन लोग का मांग है कि TR1 जो बीपीएससी का TR1 का रिजल्ट पूरक परिणाम
रिजल्ट जारी करें। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट व्यासा शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।